प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम और गुजरात में 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इंडिया टेक इट चिप्स फॉर विकसित भारत के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आपको बता दें कि परियोजनाओं के तहत गुजरात के धोलेरा साणद में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू किए जाएंगे, वहीं असम के मोरीगांव में एक प्लांट की शुरुआत की जाएगी। भारत में इन 3 यूनिट सेमीकंडक्टर का शिलान्यास 80,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा। इन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के चलते 20,000 युवाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत डायरेक्ट नौकरियां और करीब 60,000 इनडायरेक्ट नौकरियां मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रेन है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मेड इन इंडिया चिप भारत में डिजाइन किया गया चिप भारत को आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की तरफ ले जाएगा। उन्होंने कहा कि चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आने वाला समय भारत का है। अगले 5 साल में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी गूंज होगी और दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में देश एक नई गति का सामर्थ्य देखेगा। पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा, ये एक बार आप भी सुनिए। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अश्विनी वैष्णव जी, राजीव चंद्रशेखर जी, असम और गुजरात के मुख्यमंत्री, टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखर, सीजी पावर के चेयरमैन बेलायन सुभैया जी, केंद्र, राज्य एवं इंडस्ट्री से जुड़े अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये दिन ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। गुजरात के धोलेरा और साणंद में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। मैं सभी देशवासियों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए, इस महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए, एक मजबूत कदम के लिए इस आयोजन को लेकर के बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं। मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्साहित हूं। साथियों, इस अभूतपूर्व अवसर पर हमारे साथ देश के 60,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। मैंने मंत्रालय से विशेष आग्रह किया था कि आज का ये कार्यक्रम देश के नौजवानों के सपनों का कार्यक्रम है
और इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं को जोड़ना चाहिए। आज का आयोजन भले ही सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत का हो, लेकिन भविष्य के भारत के असली स्टेक होल्डर्स अगर कोई है तो ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे युवा, मेरे नौजवान, मेरे स्टूडेंट्स, यही मेरी भारत की शक्ति है।